तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है कुरकुरे। ये देखिए इस तरह के कुरकुरे बिल्कुल हल्के हल्के से फ्राई करके तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये इन्ग्रीडियंट्स हमारे रसोई में हमेशा मौजूद रहता है और बहुत कम पैसों की लागत में ये कुरकुरे टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्लेट लिया है और इसमें हम 1.5 कप ऐड करेंगे पोहा। ये देखिए ये वेट में सिर्फ 100 ग्राम है, तो इसका हमने मिक्सी करके आटा बना लिया है। ये देखिए इतना तैयार हुआ है और इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये देखिए, और 2 टेबलस्पून इसमें हम बारीक बेसन चने का ऐड करेंगे। ये देखिए ये 2 चने का हो गया। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। बेसन कॉर्नफ्लोर दोनों मिलाकर 20-20 ग्राम हमने ऐड किया है और इस तरह हम अपने पोहा के आटे में मिक्स कर दिया है। यह हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक पैन रखा है और पैन में हमने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया। जितना हमने पोहा लिया था 1.5 कप, उतना ही 1.5 कप पानी ऐड कर दिया। पानी बॉयल होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, इसमें बस 2 ग्राम मीठा सोडा ऐड करना और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल जो आप खाते हो वो ऐड कर सकते हो। और इस तरह पानी जब अच्छी तरह गर्म हो जाता है, हल्के मीडियम सेक पे ये चलता रहता है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते रहते हैं और मिक्स करते रहते हैं। इस तरह हमने आटे को सारा ऐड कर दिया जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर और हमारा जो पोहे का आटा सारा मिक्स था वो हमने सारा ऐड कर दिया। और इस तरह हम बनाएंगे कुरकुरे। तो ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल ये टाइट हो जाता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल टाइट हो गया। गैस का फ्लेम यहाँ हम बंद कर देंगे और इसको हम उतार के एक थाल में ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हम थाल में ऐड कर देते हैं जिससे इसको ठंडा करना है। ये देखिए यहाँ हमने ऐड कर दिया, इसको फैला देते हैं। थोड़ी देर में ये जब ठंडा हो जाता है तो इसको हम दोबारा मैश कर लेंगे। ज़्यादा नहीं ठंडा, हल्का सा एक गुनगुना ही रहे तब हम मैश कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये डो बन के तैयार हो जाता है। इस तरह हम मिक्स करके डो बना के तैयार कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह हम थाल को साफ कर देते हैं और सारा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया और इकट्ठा हो गया, बिल्कुल डो बन के तैयार है। बिल्कुल साफ़ सुथरा डो भी बन गया है और हल्का सा ये टाइट ना होता है ना ज़्यादा मुलायम होता है। और इस तरह ये किए थोड़ी सी पेड़ी छोटी छोटी लेके इस तरह ये हम पतले पतले बनाते जाएंगे। ये देखिए छोटी सी पेड़ी लेंगे और ज़्यादातर इसको फिंगर पर ले जाना है जिससे थोड़ा सा ये टेढ़ा सा बने तो देखने में हमारे कुरकुरे अच्छे लगते हैं। इस तरह हम फिंगर पे ही रोल करते जाएंगे। फिंगर पे जो रोल करते हैं थोड़ा सा टेढ़ा बिंगा सा बनता है, इसे देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह के सेब हमारे बन जाते हैं, हल्के से कहीं बीच में मोटे होते हैं, कहीं बीच में पतले होते हैं। इस तरह ये देखिए ये फिंगर पे हमारे इस तरह बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए इतना हमने तैयार कर दिया और इस तरह हम करते जाते हैं। ये देखिए हम फिंगर पे प्रेस करते हैं जिससे ये मोटा पतला बीच में हो जाता है और देखने में टेढ़े से लगते हैं। तो इस तरह हमने सारा बना के तैयार कर दिया है। उसके बाद में हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है और ऑयल रख दिया है। ये हमारे यहाँ किंग रिफाइंड होता है, बिल्कुल फ्रेश आता है, उसमें हम फ्राई करते हैं। जब सेक थोड़ा सा हो जाता है, सेक ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो, तो इस तरह हम जब हो जाता है तो हम इसमें बैच अपना ऐड कर देते हैं और इस तरह फ्राई करते जाते हैं। इसको इकट्ठा ऐड कर देना होता है क्योंकि ये चिपकते नहीं हैं एक दूसरे को, इस तरह ये फ्राई होते जाता है। लेकिन इसको फ्राई करने में देर लगता है, कम से कम 7-8 या 10 मिनट तक आपको फ्राई करना होता है तब ये पूरे कुरकुरे बनते हैं। तो इस तरह मीडियम सेक पे हम देर तक फ्राई करते रहेंगे। जब देखिए बिल्कुल ये झक खत्म हो जाता है, हल्के से लाल से हो जाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गए, अब ये पूरे कुरकुरे से बन गए। अब इसको हम निकाल देते हैं। इसको एक छाननी में निकालना होता है क्योंकि इसमें बिल्कुल ये अंदर से खुश्क होते हैं, इसमें ऑयल भर जाता है। उसके बाद में जब हम छाननी में निकाल देते हैं तो ये हमारा निचुड़ जाता है, नीचे हमारा डोंगा लगा है इस तरह छाननी से। ये देखिए अच्छी तरह चू रहा है लेकिन इसमें ऑयल होता नहीं है, बीच में नहीं रह जाता, ये चू के सारा निकल जाता है।
इस तरह हम बाद में दूसरा बैच ऐड कर देंगे। और ये देखिए सेक पूरा, ज़्यादा ना कम, इस तरह होना चाहिए। जब उसके बाद ये देर तक फ्राई करिए तब ये कुरकुरा बनता है। तो अच्छी तरह इसको फ्राई करना होता है, 7-8 मिनट तक इसको पकने देना होता है, तब जाके कुरकुरा बनता है। अब ये पहला बैच हम थाल में ऐड कर देंगे। ये देखिए ये कितने कुरकुरे बने हैं। तो इस तरह कुरकुरे आप भी बना सकते हो। उसके बाद दूसरा बैच भी हमारा फ्राई होकर तैयार हो गया है, इसको भी उसी छाननी में हम डाल देते हैं। ये 5-7 मिनट तक निचुड़ता रहता है, तब हम थाल में ऐड करते हैं। ये देखिए इस तरह हम छाननी में रख लेते हैं, जिससे फालतू ऑयल इसका सारा निकल जाता है। बीच में इसके ऑयल भरे होते हैं लेकिन निचुड़ सारा जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसके बाद ये दोनों बैच हमारे तैयार हो गए। अब इसे अच्छी तरह, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, और ये देखिए पूरे खड़खड़े से बन के तैयार है, पूरे कुरकुरे हैं, पूरी आवाज़ करते हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर में कुरकुरे आसानी से बना सकते हैं। और इसको हम इस डोंगे में ऐड करके कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ देखिए ये बिल्कुल कुरकुरे से बने हैं, ये देखिए पूरी आवाज़ करते हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर में बना सकते हो। उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ हमने काश्मीरी मिर्च लिया है और दूसरे में चाट मसाला, हमने इसमें हमने थोड़ा काश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया है और इस तरह मिक्स कर दिया, जिससे थोड़ा तीखापन हो जाए। वैसे कुरकुरे आप पहले नमक वाला खाना तो नमक वाला खा सकते हो, मसाले तो बगैर, पहले हमने नमक ऐड किया है। अगर आप चटपटा खाना चाहते हो तो इस तरह आप थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मिक्स करके चाट मसाले में इस तरह हम डोंगे में ऐड कर देते हैं और इस तरह हम हिलाते जाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो जाता है और पूरे ये टेस्टी बन जाते हैं। ये थोड़े तीखे बन जाते हैं। आपको सिर्फ नमक वाला अगर खाते हैं आपके बच्चे तो आप इसमें मसाले ना ऐड कीजिए। और ये देखिए इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, ये पूरा अच्छी तरह अंदर से देखिए खुश्क कुरकुरे से बन के तैयार है। तो इस तरह आप भी अपने घर में, ये देखिए पूरे कुरकुरे से बन के तैयार हैं और आप अपने घर में आसानी से बना सकते हो और बहुत कम पैसों की लागत में तैयार हो जाता है। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।